मम्मी क्या बेटा आज क्या बनाऊं? आज छोला भटूरा बनाओ बेटा। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे छोला भटूरा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि भटूरे अच्छे नहीं बनते, तो पूरे भटूरे की रेसिपी दो, आप लॉन्ग वीडियोस डालो। तो ये शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया था, बट आप लोग की लॉन्ग वीडियो ला रही। तो पहले क्या करना है, मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने यहाँ पर 1/2 कप लिया है सूजी और उसमें डाला है नमक, चीनी, और नमक और चीनी दोनों 1-1 चम्मच डालना है, मतलब 1 टेबल स्पून, और मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है मैंने 1/2 टेबल स्पून, और सबको मतलब 1/2 टेबल स्पून स्मॉल वाले टेबल स्पून से, 1/2 टेबल स्पून मतलब छोटे वाले चम्मच से। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सबको अच्छे से मिक्स कर देना है, प्रॉपरली मिक्स करना है, ताकि सब जगह जो हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और सॉल्ट भी डाला है और चीनी, वो सब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर हमने लिया है कर्ड। कर्ड आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा, मतलब दही आप चाहो ज़्यादा भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया था। आप चाहो तो थोड़ा और एक्स्ट्रा दही ले सकते हो, तो पानी कम लगता है अगर दही ज़्यादा रहता है तो, पर थोड़ा बाद में जाके थोड़ा खट्टा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए दही थोड़ा कम लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पानी डाल के अच्छे से आटे को गूंथना स्टार्ट कर दिया है। अब आप देखो पानी एक साथ अधिक नहीं डालना, मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी लिया था, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी लिया था। तो क्या करना है आपको, ना एक साथ सारा नहीं मिक्स करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए आटा को एकदम सॉफ्ट सा लगा लेना है। और आटा लगाते समय ध्यान रखना कि जब पानी ज़्यादा गीला हो जाएगा ना, तो जो आपके भटूरे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखना कि बहुत गीला भी नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं, बहुत टाइट भी नहीं, मतलब एक नॉर्मल आटा लगाना है। आप देख सकते हो जैसे कि अभी देख रहे हो कितना सॉफ्ट है, मतलब नॉर्मली है, मतलब जैसे रोटी बनती है ना उससे थोड़ा सा गीला रहेगा, रोटी जैसा नहीं रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ज़्यादा मतना, मतलब इसको ज़्यादा मारना नहीं है, मतलब कि क्या करना है आपको, बस मिक्स कर लेना है। फिर उसमें ऑयल लगा के इसको अच्छे से मतलब 20 से 25 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है। आपको ये नहीं कि अच्छे से उसको मतना, नहीं, आपको बस मिक्स कर लेना है, बंद जाए बस उसको 20 से 25 मिनट तक इसको ऐसे ढक के रख दो, ताकि अच्छे से हो जाए। देखो आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल गया और अच्छा हो गया है। अब देखो इसमें क्या करना, अब इसको अच्छे से ना, मतलब 15-20 मिनट बाद मैंने इसे खोला था, अब इसे अच्छे से मिक्स कर दो। और ना इसको क्या करना है, 1-2 बार उठा के ना, मतलब थोड़ा ऐसे जैसे मैं पटक रही हूँ ना वैसे करना है। ऐसे क्या होता है, आपके जो भटूरे होते हैं ना बहुत फूले फूले बनते हैं, तो जो ये प्रोसेस मैंने किया कम से कम 6 से 7 बार ऐसा प्रोसेस करना, फिर सबको मिक्स करके फिर 10-15-20 मिनट के लिए इसे साइड में रख देना, मतलब कम से कम 3 घंटे तो लगते हैं आपके भटूरे का आटा अच्छे से पकने में, मतलब अच्छे से प्रॉपर फूलने में, तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसे साइड में रख दो, भूल जाओ कि आटा लगा के रखा है ऐसा करके। फिर उसके बाद आटा जब तक हो रहा है उसके बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं अपने छोले। तो छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चने को पहले से भिगा लिया था, अब इसे पानी डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे, दालचीनी, इलायची और लौंग। उसके बाद आप चाहो तो एक पोटली बना के उसमें चाय पत्ती, लौंग, इलायची, दालचीनी एक साथ डाल सकते हो, बट क्या होता है ना जो पोटली बनती है कभी कभी वो चीज़, मतलब मुझे ऐसे डर लगता है कि अगर खुल गया तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, पहले मैं दालचीनी, इलायची और लौंग डाल के, देख लो चना मेरा अच्छे से बॉयल हो चुका है, उसे मैं बॉयल कर लेती हूँ, वो भी मैं आपको निकाल दिखाती हूँ, अच्छे से पक भी चुका है, आप देख लो, देख सकते हो कि अच्छे से पक गया है। और उसे ना एकदम अच्छे से कुक पका लेना है, ये नहीं कि हल्का कच्चा रहता है ना फिर सब लोग जैसे सोचता है पानी में जाके पकेगा, नहीं, आपको यहीं पे कम से कम 5-6 प्रेशर दिला के अच्छे से कुक कर लेना है। वैसे भी जब आप सॉल्ट डाल देते हो ना चना अच्छे से बॉयल हो जाता है। अब मेरा चना यहाँ पे बॉयल हो चुका है, अब मैंने यहाँ पे ना पानी ले लिया थोड़ा सा, उसमें हम डालेंगे चाय पत्ती। मैंने ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला आप चाहो तो पोटली बना के चाय पत्ती उधर भी डाल सकते हो छोले बॉयल करते टाइम पे, पर मैं क्या करती हूँ, मैं मैक्सिमम मैं अपने छोले जो होता ना चाय पत्ती वो अलग से बॉयल करती हूँ। तो पानी ले लेना, उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाल देना है, मतलब 2 टेबल स्पून, और फिर उसको अच्छे से मतलब कुक करना है 3 से 4 मिनट के लिए, मतलब एक बॉयल आ जाए बस समझ लो उतना, कि जितना चाय बॉयल आ जाए उतना सही है, क्योंकि बाद में पानी थोड़ा पक जाना है। फिर अच्छे से बॉयल कर लेंगे, और जब बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। फिर जब ये बाहर निकल जाए, मतलब अच्छे से, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाय पत्ती कच्ची है और आपने इसको पानी डाल के उसमें डाल दिया, नहीं, थोड़ा बॉयल आ जाए ताकि चाय पत्ती की जो खुशबू है उसमें चले जाए, कलर उसमें आ जाए। क्योंकि बेसिकली हम छोले में जो आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि चाय पत्ती का पानी क्यों जाता है, तो चाय पत्ती के पानी जो मैक्सिमम जाते हैं छोले में वो हल्का टेस्ट लाने के लिए और मैक्सिमम कलर लाने के लिए होता है, क्योंकि जो चाय पत्ती का कलर होता है जब उसमें छोले में आता है तो अच्छा लगता है, तो वहाँ हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, फिर यहाँ पे मैंने प्याज का पेस्ट, मतलब 4 से 5 प्याज के मैंने पेस्ट बना के इसमें डाले हैं, और अच्छे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें अच्छे से इसका मतलब जो तेल वेल है वो अच्छे से पक न जाए तब तक, और ये प्याज भी जब तक अच्छे से मतलब पक नहीं जाएगा तब तक इसको भूनेंगे, थोड़ा कलर चेंज होने तक। आप देख सकते हो मेरा प्याज यहाँ पे भून गया लगभग। अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट।
मैंने पहले बना के रखा था वो डाल दिया। अब इसे अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक इसका अच्छे से तेल ना निकलने लग जाए इतना, क्योंकि मैंने ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया है तो शायद उतना तेल नहीं छोड़ेगा। बट आप ये ऑयल कम यूज़ करो, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा तेल में ही खाना बने, कम तेल में बन सकता है। कभी कभी मेरे से तेल एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर अब वो चीज़ तो हो गई, लेकिन जब नहीं तो आप कम यूज़ करो। देखो अब यहाँ पर लहसुन अच्छे से भी पक चुका है। अब यहाँ पर टमाटर की प्यूरी मैंने डाल दी है। टमाटर की प्यूरी मैंने पहले बना के रखी थी, मैंने यहाँ पर दो टमाटर लिया है। और फिर यहाँ पर डाल देंगे सॉल्ट, फिर डाल देंगे टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर मैं घर पे काश्मीरी लाल मिर्च मंगा के घर पे इसको धुल के सुखा के फिर उसके बाद पाउडर बनाती हूँ। तो बाहर वाले जो पाउडर होते हैं वो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, तो मैंने वो यूज़ किया। फिर यहाँ पे छोले मसाला यूज़ किया मैंने, हल्का सा पानी डाल के। अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले देखो सारा प्रोसेस यहीं पर है, मेन प्रोसेस यहीं होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है जब आप मसाला अच्छे से भूनते नहीं हो ना, मतलब उसको फ्राई नहीं करते अच्छे, जब तक सौते नहीं करते, तो क्या होता है मसाला के टेस्ट नहीं आ पाते, फिर आप बोलते हो चूल्हा अच्छा नहीं बना। आपको सारा प्रोसेस यहीं पर करना है, मसाले को हमें अच्छे से भुनना होता है तब तक जब तक कि उसमें से ऑयल नहीं निकलने लग जाए। क्योंकि आप मसाला भुनते रहोगे आपको दिख जाएगा कि तेल छोड़ रहा है। समझ लो जब तेल छोड़ने लग जाए तो समझ लो आपके मसाले हो गए। देखो मेरा तेल छोड़ने लग गया था, मैंने चने पहले से बॉयल करके रखे थे, आपने देखा था, उसको यहाँ पर डाल देंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब देखो पानी मैंने छोले वाले ही यूज़ किए हैं इसलिए क्योंकि वो पहले से बॉयल भी रहता है और उसमें दालचीनी इलायची लौंग से सारे के टेस्ट आ जाते हैं इसकी वजह से, तो मैंने इसलिए छोले में पानी एक्स्ट्रा डाला था। आप वो डाल देना, और अगर आपको लगे कि छोला मतलब क्वान्टिटी ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा लोग हैं घर में, तो आप एक्स्ट्रा पानी और ऐड कर देना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस छोले वाले पानी से ही काम चल जाएगा तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं। मैंने यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाला था और फिर यहाँ पर मैंने चाय पत्ती वाली पानी डाल के अच्छे से कुक किया था, क्योंकि ये छोला मैंने बनाया था लगभग 8 लोगों ने खाया था, तो फिर उसके लिए बनाया था। फिर यहाँ पे इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे, 10 मिनट अच्छे से कुक होने, तो खोल के मैं ढकती नहीं हूँ, मैं खोल के ही पकाती हूँ, क्योंकि चना तो पहले से बॉयल, बस पानी को कुक करना होता है। फिर यहाँ पे डाल देना है थोड़ा कसूरी मेथी, फिर उसको डाल के थोड़ा 2-4 मिनट कुक कर लेना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा, जब छोला एकदम पकने लग जाएगा तो छोला यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। गर्म मसाला की क्वांटिटी बहुत कम रखनी, मतलब 1/4 टेबल स्पून, मतलब 1 चम्मच का भी आधे का भी आधा ऐसा, क्योंकि गर्म मसाला ज़्यादा डालोगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आता, मतलब एकदम कड़वा जैसा टेस्ट लगता है। देखो आप छोला पक चुका है, अभी आप बोलोगे बहुत पानी पानी लग रहा है, नहीं, जैसे आप इसे बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ना, तो इसका जो पानी है वो अपने आप ही अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब तो पकड़ लेता है छोला आपका, तो ज़्यादा इसको एकदम सुखाओ मत, सुखा दोगे तो छोला एकदम ही सूख जाता है। फिर यहाँ पे देखो आटा मेरा हो चुका था 3 से 4 घंटे लगभग मैंने यहाँ पे लिए थे आटा को अच्छे से कूटने में, 3 घंटे बाद मैंने इसे बनाया था भटूरा। और मैं आपको बता रही हूँ इसको ना जब बेलना था, मतलब इसको जब बेल रहे थे तो भी बहुत अच्छे से बन जा रहा था, और फिर उसका जब इसको छानने गए ना, मैं आपको बिलीव नहीं करा सकती मैं कैसे बताऊं। क्योंकि अब देखो हम लोग रेस्टोरेंट होटल में तो बैठे नहीं कि बहुत सारा बड़ा वाला भटूरा बना पाएंगे, बट जितना बहुत टेस्टी बना था। और पता है ये मैं ना कभी भी स्लैब का यूज़ नहीं करती बेलते टाइम, मैं हमेशा चकले पे ही बेलती हूँ, नहीं तो अगर मैं स्लैब यूज़ करती तो ये भटूरा और अच्छा और बड़ा बनता। बट आप देख सकते हो कितना अच्छा फूल गया है, और पता है ये खाने में भी बहुत सॉफ्ट था, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड था, और ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप इसको छान के थोड़ी देर रख भी दोगे ना, आधे घंटे बाद भी खाओगे, तब भी बहुत सॉफ्ट ही बनता है और बहुत यमी बना था। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और खूब सारा प्यार देना। अभी देखो मेरे छोले भटूरे रेडी हो चुके हैं, तो आप भी बनाओ। आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड रखी थी कि छोले भटूरे की फुल रेसिपी लाओ, इसलिए ये डिमांड सिर्फ आपके लिए। अभी नवरात्रि खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप बनाना, कल तो लास्ट डे नवरात्रि का, तो आप दशहरे वाले दिन से बना सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, बहुत टेस्टी बहुत यमी बनता है, मम्मी को भी बहुत पसंद आएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपना खूब सारा प्यार देना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहना। बाय बाय। बहुत टेस्टी बनाई बेटा, बहुत टेस्टी बनाई हो।